हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यू सिलेबस में अगर आप कन्वर्ट होना चाहते हो तो उसकी क्या प्रोसेस है, क्या फीस लगेगा एंड क्या क्या चीजें आपको उसके साथ मिलने वाली है अगर आप कन्वर्ट होते हो। तो मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन एंड डिस्कस करता हूँ आपके पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इंस्टीट्यूट के साइट पे। हम चलते हैं उस नोटिफिकेशन के साइट एंड हम डिस्कस करते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। तो ये हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंस्टीट्यूट का, आप देख सकते हो 28 मार्च 2023 को ये रिलीज हुआ है। एंड इसमें जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे 250 रुपीज का फीस मेंशन किया गया। जब आप कन्वर्ट करते हो तो उसमें आपको 250 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। एंड दे नीड नॉट मैंडेटरीली परचेज द स्टडी मटेरियल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट विच एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन विल बी ऑप्शनल फॉर द स्टूडेंट्स। सो आपको स्टडी मटेरियल परचेज करना कंपलसरी नहीं है। अब आपके ऊपर ऑप्शनल हो चुका है कि आपको अगर मन कर रहा है कि आपको स्टडी मटेरियल परचेज करनी है इंस्टीट्यूट के साइड से तो आप परचेज कर सकते हो। एंड अदरवाइज आप इंस्टीट्यूट के साइड से फ्री PDF बुक्स आप डाउनलोड करके भी आप स्टडी कर सकते हो या उसको आप प्रिंट आउट लेके भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर है, लेकिन 250 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि आपकी कन्वर्जन कितने दिन में होगी। अगर आप अभी कन्वर्ट करवाते हो तो क्या आप न्यू जो सिलेबस है उसमें आप जून में पेपर दे सकते हो या नहीं, 2016 सिलेबस वाले बच्चे, ऐसा कहीं भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 2016 वाले बच्चे वो जून के लिए कोई भी रिस्क ना ले कन्वर्जन का। एंड जहां तक रिजल्ट की बात, आप सबके दिमाग में डाउट होगा कि न्यू सिलेबस आएगा तो रिजल्ट परसेंटेज कम हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता जो रिजल्ट परसेंटेज कम है इससे भी कम होने वाला है। यही परसेंटेज होगा जब न्यू सिलेबस आएगा तो भी 2016 का भी यही होगा, 2022 का भी ऐसा ही कुछ परसेंटेज रहने वाला है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तो नहीं होगा, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट परसेंटेज ऐसा ही कुछ रहेगा। सो इसलिए ऐसा मत सोचो कि न्यू सिलेबस में आ जाओगे तो आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, आप कम भी पढ़ोगे तो भी आप पास कर जाओगे, ऐसा थॉट बिल्कुल दिमाग में मत लाओ। चाहे आप 2016 सिलेबस में जाओ या 2022 सिलेबस में, एफर्ट आपको उतना ही करना पड़ेगा, पढ़ना आपको उतना ही पड़ेगा। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपने गलतियां किया है लास्ट अटेम्प्ट में, आप उसको रेक्टिफाई करो। सो कन्वर्जन इज ए नॉट ए ऑप्शन। ओके, आई विल सजेस्ट यू जस्ट गो विथ द लास्ट थिंग्स विच यू हैव डन, वर्क ऑन योर एरिया वेयर यू हैव डन मिस्टेक्स इन योर पास्ट एग्जाम्स, दैट्स इट। सो कन्वर्जन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में पेपर देना चाहते हैं या फिर दिसंबर अटेम्प्ट में पेपर देना चाहते हैं, अभी सो बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे 2016 के अकॉर्डिंग, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो दिसंबर के लिए, ठीक है। बट जो जून में पेपर देने जाने वाले हैं उनके पास ऑलरेडी 3 मंथ का टाइम है, आप कन्वर्जन के चक्कर में पड़ोगे, कब अपडेट्स आएगा नहीं आएगा क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए कन्वर्जन के साथ मत जाओ, ओल्ड सिलेबस में आप पेपर अटेम्प्ट करो, बस जो आपने गलतियां की है उसके ऊपर काम करो और उन गलतियों को आप रेक्टिफाई करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।